फ्रेंड्स हजुरहरुलाई हामी आफ्नो च्यानल मोनिज ब्लग मा स्वागत गर्दै छु। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। वेलकम टु रक्सौल। रक्सौल से हम जाएंगे वीरगंज बॉर्डर क्रॉस करके। वीरगंज नेपाल में है। यहां से ब्लॉग का पहला फॉरेन ट्रिप। ये रक्सौल सिटी है, यहाँ से बॉर्डर पास में पड़ता है तो नेपाल के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो हम यहाँ से आते जाते हैं और बहुत ही इजीली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 to 5 किलोमीटर है डिस्टेंस नेपाल और इंडिया का। और ये जो आप गेट देख रहे हैं इसका नाम है शंकराचार्य द्वार। ये बेसिकली पार्टीशन है नेपाल और इंडिया का, इसके आगे बॉर्डर है। और ये रहा हमारा घर। घर आ चुकी हूँ और सबसे एक्साइटेड हूँ कोको से मिलने के लिए। तो आप सभी को मिलाती हूँ अपनी प्यारी कोको से। कोको मुझे देख के जितना एक्साइटेड हो रही है उतना मुझे भी एक्साइटमेंट हो रहा है। उसको देख के इतना खुशी हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरा उसके साथ। वो जब 15 दिन की थी तब से मैं उसके साथ थी और शादी के बाद तो 1-1 साल हो जाता है उसे देख के बिना, सामने से उसे खिलाए बिना। और इतना खुश हूँ उसे देख के कि आके मैंने चेंज भी नहीं किया, बस सामान रख के सबसे पहले मैं उससे ही मिली। बहुत सारा टॉयज लेके आई हूँ कोको के लिए क्योंकि उसे पता होता है कि मैं आ रही हूँ तो कुछ ना कुछ लेके आऊँगी। तो मैं और नितेश कुछ टॉयज खरीद के लाए थे कोको के लिए ताकि वो एकदम खुश हो जाए देख के। उसका फेवरेट टॉयज सब है, वो बहुत खुश हो गई थी देख के। नितेश से भी उसका अच्छा फ्रेंडशिप हो गया तो वो जहाँ रहता है वहाँ पर वो खड़ी रहती थी हमें से। Hello guys. कौन है कोको? देखो तो बिल्ली है क्या? चलो बोल दो 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 बॉल, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ दो। तुम जाओ। हाँ रेडी। और ये शाम के टाइम में पापा काम से आके नितेश को लेके जा रहे हैं क्योंकि नेपाल का फेमस होता है सेकुआ, जिसे बारबेक्यू मटन बोलते हैं। वो लेके जा रहे हैं नितेश को बनवा के लेके आने के लिए ताकि उसको टेस्ट करवा सके यहाँ का ऑथेंटिक फूड। और ये बनवा रहे हैं, वहाँ का कुछ क्लिप्स है, ये लेके आएंगे और हम लोग बैठ के इसे पफ्ड राइस, जिसे कि हम लोग भुजा या मोड़ी बोलते हैं, उसके साथ खाते हैं। और ये यहाँ का सबसे फेमस नाश्ता है। ये जो आप देख रहे हो ये नेपाल का घर घर में खाया जाता है शाम का स्नैक्स, ये एकदम मस्ट होता है। कुछ उस घरों में तो हर दिन खाते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप नितेश को भी अच्छा लगेगा, वो भी इंजॉय करेगा। और ये नितेश को भी काफ़ी पसंद आया, वो भी इंजॉय किया। और नेक्स्ट डे हम निकल पड़े मार्केट घूमने के लिए, वो भी रिक्शे पे। जब आप बड़े सिटी में रहने लगते हो तो अपना जो होम टाउन होता है, छोटे शहर का छोटी छोटी चीज़ें भी आप मिस करने लगते हो। मुझे वो अब जाके पता चल रहा है कि ये सब में कितना खुशी मिलता है। मैं बचपन से मम्मी पापा के साथ ही अंकल के दुकान में आया करती थी और ये बिना चाय पिलाए तो जाने ही नहीं देते। तो नितेश आया तो नितेश भी दिख गए अंकल को, तो सबको चाय पिला। ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है गहवा माई मंदिर। मम्मी आई है शॉपिंग करवाने। ब्लॉगिंग करते। थैंक यू, ये मार्शल आर्ट के चैंपियन है, बहुत सारा अवार्ड मिला है इनको।
थैंक यू तेरी मन पर है को पसंद थी जींस और सब फिर आऊँ से आए ओके थैंक यू थैंक यू ये है यहाँ का आदर्श नगर और यहाँ बहुत सारे फूड स्टॉल लगते हैं और यहाँ आओ और पानी पूरी ना खाओ ऐसा हो ही नहीं सकता है तो हम जा रहे हैं पानी पूरी खाने और हम मार्केट गए कोको को लेके नहीं गए तो कोको थोड़ा नाराज हो गई थी और तो थोड़ा उसे मना रहे थे पैपर कर रहे थे ताकि बेचारी वो खुश हो जाए और हमारे साथ खेले मार्केट तो ले नहीं जा सकते उसे भी दिक्कत होता है हमें भी परेशानी होता है इसलिए उसे घर पे ही रखते हैं बहन थी घर पे तो वो देख रही थी कोको को कोको जितना जल्दी गुस्सा होते उतना जल्दी मान भी जाती है थोड़ा सा प्यार दिखा उसे तो मान जाती है हम क्या क्या शॉपिंग करके आए थोड़ी देर में वो सारा बैग चेक करेगी सामान चेक कर रहा है और यहाँ हम सब मिलके चिकन मोमो बना रहे हैं आप सब तो जानते ही होंगे कि नेपाल में मोमो को कितना पसंद किया जाता है जब मैं और नितेश आते हैं घर तो मम्मी पापा को लगता है कि कितना कुछ ही खिला दे इन लोगों का जितना फेवरेट होता है इतना गले तक खिला देते डेली इवनिंग वॉक पे निकलना पड़ता है ताकि खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो क्योंकि डिनर अगर मना कर दो तो गुस्सा जाएंगे ये लोग खाना ही है हर एक टाइम का खाना और एक्स्ट्रा स्नैक्स और ये सब तो चलते ही रहता है दिन भर बस खाना ही चलता है हमारा और नितेश भी इंजॉय करता है वो भी नॉनवेज लवर है मुझे भी बहुत पसंद है नॉनवेज और सबको पसंद है तो सब कुछ हर एक आइटम नॉनवेज ही होता है यहाँ पे ताकि घर का बना जो भी खाना हम केरला में मिस करते हैं वो यहाँ आके खाने मिले अब मैं वीरगंज नेपाल का एक वर्चुअल टूर कराऊँगी आप सबको ये ब्लॉग यही एंड होता है मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बाय बाय